दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। गाइज, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप जो हैं शाकाहारी हैं और जो हैं आप अपनी डाइट में जो है प्रोटीन की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो है कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में फॉलो करनी चाहिए उसके बारे में दोस्तों आज की मेरी वीडियो रहेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों हर कोई चाहता है कि स्वस्थ रहने और स्वस्थ खान पान का जो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेहतमंद रहने के लिए जो है डाइट में प्रोटीन युक्त चीज़ों का शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपके प्रोटीन की भरपूर मात्रा जो है आपके शरीर में उपलब्ध करवाएंगी और जो है आपको किसी भी तरह की कमजोरी आपके शरीर में नहीं होने देगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें अपनी डाइट पे फॉलो करनी चाहिए जिनके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। पहला होता है दोस्तों बीन्स। बीन्स की जो सब्जी होती है, बीन्स जो हरी बीन्स फलियां जिसको हम कहते हैं, ये हमें जो है मार्केट से मिल जाती है और जो है सब्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोग शाकाहारी होते हैं और अपनी डाइट में उनको जो है बीन्स जरूर फॉलो करनी चाहिए। इसके अंदर फाइबर और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो शरीर को जो बहुत ज़्यादा सेहतमंद बना लेता है। तो आपको जो है एक कप रोज़ प्रोटीन से युक्त जो है बीन्स जरूर खाने चाहिए। सलाद के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है आप अपनी डाइट में भी इसको जो है डेली रूटीन में सब्जी के तौर पे भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों दाल। दाल जो होती है स्वस्थ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। दाल में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। स्वस्थ रहने के लिए डाइट में दाल को शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि एक कप दाल में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो आप दाल का सेवन या सूप की तरह भी इसको ले सकते हैं। तो दालों का भी भरपूर सेवन करें, इसके अंदर भी बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं जो आपकी प्रोटीन की मात्रा को आपके शरीर के अंदर जो है कम नहीं होने देते हैं। और होता है दोस्तों फ्राइड ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो लोग जो है शाकाहारी होते हैं, जो लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, उन लोगों को जो है अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट को भी जरूर शामिल करना चाहिए। ये भी आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को पूरा करते हैं। और होता है दोस्तों हरी सब्जियाँ। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनको जो है अपनी डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए। हरी सब्जियाँ जो होती हैं ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं। हरी सब्जियों में भी प्रोटीन खूब पाया जाता है और भरपूर मात्रा जो है प्रोटीन के अंदर होती है इसके अंदर। आगे है सोया मिल्क। दोस्तों सोया मिल्क का सेवन जो है स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सोया मिल्क के अंदर जो है प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं स्वस्थ रहने के लिए जो है उनको अपनी डाइट में सोया मिल्क का यूज़ करना चाहिए। और होता है दोस्तों पनीर। शाकाहारी लोगों को पनीर का सेवन करना चाहिए। पनीर का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आमतौर पर पनीर जो है सभी को पसंद होता है। स्वाद के साथ ही पनीर सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। शाकाहारी लोगों को जो है अपनी डाइट में जरूर पनीर को फॉलो करना चाहिए, जरूर जो है अपनी डाइट में पनीर को अपनाएं। और होता है दोस्तों ब्रोकली। ब्रोकली जो होती है ये गोभी की शेप की और गोभी की तरह ही होती है। इसके अंदर भी दोस्तों प्रोटीन जो है वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ब्रोकली का सेवन करने में भी आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होती है। ब्रोकली का सेवन करने से जो है आप अपनी जो आपका वजन बढ़ रहा है अगर, तो वजन को भी जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। ब्रोकली जो होती है ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए। तो ब्रोकली को भी आप जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ओट्स। ओट्स जो होते हैं दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। ओट्स में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ओट्स का सेवन करने से जो है शरीर की प्रोटीन की कमी को जो है ये दूर करता है और स्वास्थ्य और बीमारियों को भी दूर करता है। नाश्ते में आप ओट्स का को जो है शामिल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो है आपके शरीर के लिए होता है। और होता है दोस्तों कद्दू के बीज। आपने देखा होगा कद्दू जो होते हैं इनके बीज भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कद्दू के बीजों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। आप इसे जो है मसाले के साथ भूनकर जो है कद्दू के बीजों का सेवन कर सकते हैं या फिर आप इस ऐसे ही खा सकते हैं, तो इस तरह से भी खा सकते हैं। कद्दू के बीज जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है
के अंदर पाया जाता है। ये कुछ चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई। अगर आप जो है अपने शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को जो है अपनी डाइट में फॉलो कर सकते हैं। और होता है दोस्तों, प्रोटीन जो होता है ये हमारी सेहत को भी बनाता है। जैसे कुछ लोग जिम वगैरह जाते हैं या अपनी जो है डाइट में प्रोटीन का यूज़ करते हैं, तो आप इन चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी प्रोटीन की कमी जो है आपके शरीर को भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।